चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। व्रत की पावन कथा सुहानी है। व्रत की पावन कथा सुहानी है। चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। बहना बोली प्यारे भैया कैसे तुम्हें बताऊं, बिना
करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। 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 सुनकर वो नंगे पांव अपने घर
करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। हर माह चौथी माँ की पूजा करती, अपने पति की लाश ली शमशान घाट वो पहुंची, लेके लाश हर माह चौथी माँ की पूजा करती। रहूंगी निर्जल जीवन भर मन में ये ठानी है, रहूंगी निर्जल जीवन भर मन में ये ठानी है। ये करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। व्रत करना जीवन होगा सुखदाई, भक्ति से उसके खुश होगी तब चौथी माता आई। करवा चौथ का व्रत करना जीवन होगा सुखदाई। इतना कह के चली गई तब माता रानी है, इतना कह के चली गई तब माता रानी है। ये करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। चौथ व्रत की पावन कथा सुहानी है। ज्योति दीवारी गाती है ये करुण
व्रत की पावन कथा सुहानी है। See।
सबसे सुहानी भक्तों गा कर तुम्हें सुनाओ। कार्तिक मास की चौथ है आती, भक्तों का मनवा हर शादी, करवा माई की पूजा होती। सेठ जी रहते एक पोत्री और साथ थे बेटे, पोत्री सबको जान से प्यारी। भाइयों की थी राज दुलारी, करने त्योहार वो मैके आई, मैके आकर थी हर शाई। भाई उससे लाड लड़ाए, बहना करते प्यारी लुटाए। करवा चौथ का दिन था
जय जय माँ करवा माँ, 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 जय जय माँ करवा माँ। ओ करवा चौथ की परम कहानी, शुक्ल चतुर्थी आती जीवन में खुशियां है लाती, व्रत है करती देव को पाती। सात पुत्र एक पुत्री तमा, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ त्योहारों की
सांझ समय होने को आया। भूख ने बहना को था सताया,
नाता तोड़ा। झोपड़ी पे माँ लात लगा
रक्षा करना। चौथ के पावन पर्व पर हम आपको नारी के सतीत्व और एक पतिव्रता नारी की शक्ति का गुणगान करेंगे कि कैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतीत्व और धर्म के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को लौटा सकती है। और करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कथा का भी वर्णन करेंगे। तो बोलिए पतिव्रता धर्म की जय। पति अपने काम पर लौट जाता और करवा माता घर के काम काज निपटाती। इस तरह दोनों का ही जीवन बड़ी
प्रसन्नता पूर्वक बीत रहा था। चलिए भक्तों आगे की कथा सुनाते हैं। चेहरा खिल ही जाता है अपने पति की सेवा करवा माता खूब ही करती। सुबह शाम वो श्री हरि विष्णु का नाम सुमरती। दिनचर्या तो रोज के जैसे उनकी चल रही थी, लेकिन एक ऐसी घटना आज ऐसी घट गई थी। प्रातः काल स्नान करने जब दोनों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, तुंगभद्र नदी में दो घाट बने थे। एक घाट जिसमें स्त्रियां स्नान करती थीं और दूसरा घाट जिसमें पुरुष स्नान करते थे। रोज की तरह करवा माता और उनके पति प्रातः काल जब स्नान करने को आते हैं, तो माता करवा का पति पुरुषों वाले घाट में स्नान करने को चला जाता है और माता करवा स्त्रियों वाले घाट में स्नान कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ ने आकर करवा माता के पति का पांव जकड़ लिया और उनको नदी में खींचने लगा। मृत्यु को समीप देखकर उनके पति ने करवा को पुकारा। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, माता करवा के पति को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उन्हें ले जाने के लिए यमराज वहां पर आ गए, किंतु माता करवा ने अपने सतीत्व के बल से मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया, जिसके कारण मगरमच्छ अपनी जगह पर स्थिर हो गया। किंतु माता करवा के पति की आयु पूर्ण हो चुकी थी, यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। माता करवा यमराज को देखकर कहने लगी, मगरमच्छ
झुकना है। अंतिम समय है पति तुम्हारा जीवित नहीं बचेगा, और मृत्यु का कारण इनकी आज ये मगर बनेगा। बोली करवा मेरे पति के प्राण बख्श दे आप, वरना है यमराज आज मैं तुम्हें दे दूंगी साप। इतना सुनकर स्वयं यमराज भी घबरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, जब यमराज ने करवा माता से कहा कि आपके पति की आयु समाप्त हो गई है और हम उसको लेने आए हैं, तो करवा माता यमराज से कहने लगी, आज मेरे पति को नहीं ले जा सकते, यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, उसके पश्चात आप किसी के भी प्राण नहीं हर पाएंगे। यमराज ने सोचा, यदि सचमुच करवा ने श्राप दे दिया तो इस सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। यमराज ने करवा माता से विनती की, हे देवी, मुझे श्राप मत देना, इसका कोई और उपाय बताओ। तब करवा माता कहने लगी, आपको मेरे पति के प्राण बख्शने होंगे और उसकी जगह पर इस मगरमच्छ के प्राण लेने होंगे। तब यमराज कहने लगे, इस मगरमच्छ के प्राण तो अभी शेष है, यदि मैं इसके प्राण लेता हूँ तो ये भी अन्याय होगा। तो भक्तों, आगे की कथा आइए आप सभी को बताते हैं। यमराज ने दोनों के ही प्राण बख्श दिए, दोनों में से किसी को वो भी लेकर नहीं गए। पतिव्रता नारी थी करवा और थी धर्म परायण, जीवन संभव हुआ है पति का सती धर्म के कारण। पतिव्रता नारी जब अपना धर्म निभाती है, पति की लौट ही जाती है। अपने धर्म पे कायम हो जो पतिव्रता नारी, खुद यमराज पे भी पड़ जाती है वो तो भारी। ऐसी अनेक कथाओं का हम वर्णन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों, इस प्रकार पतिव्रता नारियों की अनेकों ही कथाएं हैं, जिन्होंने अपने सती धर्म के बल पर अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। ऐसी ही एक कहानी सती सावित्री की भी है। सती सावित्री ने अल्प आयु होते हुए भी सत्यवान को पति के रूप में चुना था। पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की आयु सिर्फ एक वर्ष ही शेष है। उसके पश्चात सती सावित्री ने सत्यवान को ही पति के रूप में चुना। जब सत्यवान की आयु का पूर्ण हुआ, वन में लकड़ियां काटने को जब सत्यवान है गया, सावित्री भी उनके साथ में आज है चली गई। हो गया था उसको आभास तो ये पहले से ही, लगा लकड़ियां काटने वो जब एक वृक्ष पर चढ़ गए। अंधियारा छा गया, आंखों में आने लगे हैं चक्कर।
वृक्ष से सत्यवान है आया। फिर यमराज के दूत वहां उसको दिख जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, पंडितों की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान की आयु पूर्ण हुई तो यमराज के दूत उन्हें लेने आ गए। जब वो सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे तो सती सावित्री भी यमदूतों के साथ साथ चल दी। अपने पतिव्रत धर्म के बल के कारण यमदूत भी उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में यमदूत उन्हें यमराज के पास लेकर आए तो सावित्री भी पीछे पीछे आ गई। यमराज ने उनसे कहा, आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, आप चाहे तो अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग ले। जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। सावित्री ने यमराज से अपने अंधे सास ससुर की नेत्रों की दृष्टि, उनका खोया हुआ राज और स्वयं के लिए पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। यमराज ने जब तथास्तु बोला तो सावित्री कहने लगी, हे यमराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैंने सपने में भी किसी और पुरुष का चेहरा नहीं देखा, तो भला बिना पति के मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और सावित्री के पति के प्राण उन्हें लौटाने पड़े और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। आगे की कथा आइए आप सभी को बताते हैं। सके ना नारी की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी जिसकी शक्ति को माना। महासती अनुसुईया की कथा अब है तुम्हें सुनाना। जिसने त्रिदेवों को भी है छोटे शिशु बनाया और दूध अपने अस्तनों का तीनों को है पिलाया। फिर तो अनसुईया ने दिखाई। आओ भक्तों, आपको पूरी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा।
अनसुईया के नाम से आप सब भली भांति परिचित होंगे। महासती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनके सती धर्म के चर्चे तीनों ही लोकों में थे। एक बार देवी सरस्वती माता लक्ष्मी और माता पार्वती अपने सती धर्म का बखान अपने ही मुख से कर रही थी। तब नारद जी वहां पहुंचे और उन्हें बताया कि हे माताओं, तीनों लोकों में महासती अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तीनों ही देवियों को इस बात से बड़ी जलन हुई और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को सती अनुसुईया के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। आइए आगे की कथा आप सभी को सुनाते हैं। परीक्षा लेने के लिए यतियों का वेश धारण कर लिया और महर्षि अत्रि के आश्रम में आ गए। अतिथि सत्कार करना महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का परम कर्तव्य था। सती अनसुईया ने उनका आदर सत्कार किया और जलपान के लिए अनुरोध किया। तब तीनों देवों ने शर्त रखी, हे देवी, हम भोजन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि यदि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं, तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर सती अनसुईया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन महर्षि अत्रि को याद किया। अपने सती धर्म के बल पर उन्होंने जान लिया कि ये तीनों यति नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर हैं। तब अनसुईया माता ने कहा, जैसा आप उचित समझें, मैं आपको निर्वस्त्र होकर ही भोजन करवाऊंगी। माता अनसुईया ने कमंडल से जल लेकर तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों को नवजात शिशु बना दिया। आगे की कथा आइए आप सभी को सुनाते हैं। सुनाते हैं सती धर्म के आगे जब यम
भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों तो एक बार प्रेम से बोलिए सती अनुसुईया की जय। भक्त जनों जब ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर जी लौट के नहीं आए तो तीनों ही देवियां बड़ी अधीर हो गईं। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि महासती अनसुईया ने तीनों ही देवों को शिशु बना दिया है। तब घबरा कर तीनों देवियां उनके आश्रम में पहुंची और अपने पतियों का यथार्थ रूप बनाने की विनती करने लगी। तब सती अनसुईया कहने लगी, हे माता, अपने अपने पतियों को पहचान कर गोद में उठा लीजिए, तब मैं इनका यथार्थ रूप बना दूंगी। एक समान ही तीनों देव उनको तो लग रहे थे, छोटे छोटे बालक जो निद्रा में सो रहे थे। तीनों देवियां उनको तो पहचान नहीं पाई, क्या कहती वो अनसुईया को लाज उन्हें आई। अपने मन में तीनों देवियों ने निश्चय किया, एक एक शिशु को तीनों ने गोद में उठा लिया। किंतु तीनों देवियां ऐसी भ्रमित हो गई हैं, अपने अपने पतियों को भी ना पहचान सकी हैं। पहचाना जब अपने यथार्थ रूप में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्त जनों तीनों ही देवियों ने शीघ्रता में एक एक शिशु को उठा लिया। किंतु जब तीनों अपने यथार्थ रूप में आए तो उनको बड़ी ही लाज आई, क्योंकि माता सरस्वती ने शिव जी को और माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने विष्णु जी को गोद में उठा लिया था। तीनों देवियां सती अनसुईया के सामने बड़ी ही लज्जित हुई और घबरा कर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और कहने लगी कि आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने ही तीनों देवों को बाध्य किया था। आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। सती धर्म के बल पर सबको झुका सकती, चाहे हो यमराज स्वयं या चाहे हो भगवान। अपने पति को ही माने वो परमेश्वर के समान। दीर्घायु अपने पतियों की हर पत्नी चाहती है, करवा चौथ के व्रत की रीत वो तभी निभाती है। पाल और फौज सुरेश कर करवा चौथ का वर्णन, जोड़ी बनाए ऊपर वाला होता मधुर मिलन। मिले हंस और राज तो हंस राज बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते।